आप रिसेंटली ही दो कल या परसों दो दिन में जो पेपरों में आया है कि गुलबर्ग के किले में जितने भी घर हैं उनको डेमोलिशन करने का हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ये दो दिन से पेपरों में आ रहा है। मगर हकीकत चीज़ यह है कि हम लोग ऑलरेडी जो PIL नंबर 4370 है उसमें हम इंक्लूडिंग एप्लीकेशन और स्टे एप्लीकेशन डाले हैं, जो ऑलरेडी हम बेंगलोर हाईकोर्ट में जो है ना इसकी एप्लीकेशन सबमिट किए हैं, जो अभी तक जज साहब के टेबल पे नहीं आई है। खैर वो एक अलग चीज़ है, मगर हकीकत यह है जब कभी भी पेपर्स में यहाँ वहाँ जो भी न्यूज़ आता है सबसे पहले हमें इलीगल एनक्रोचर्स कहा जाता है, जबकि हकीकत बात यह है कि हम यहाँ इलीगली नहीं रह रहे। हमको 1946 जब निज़ाम सरकार का हुकूमत थी यहाँ पर, उस वक़्त भी यही ASI डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ एविक्शन करके यहाँ के घरों को खाली करने का वो एक मुहिम चलाए थे। मगर उस दौर में जबकि प्रधानमंत्री यानी सदर आजम श्री सर मिर्ज़ा इस्माइल साहब यहाँ पे आके किले को विज़िट करके उन्होंने खुद जो है ना यहाँ पे हमको रहने का यहाँ पर लीगली रहने का एक स्टैंडिंग ऑर्डर दिए हैं, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। हम ये कॉपी जो है ना डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से सर्टिफाइड करके लिए हैं। अब आने वाले दिनों में हम ये जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट के सामने भी हम रखने वाले हैं, और हम स्पेशली डिप्टी कमिश्नर साहब को जो है ना ये डॉक्यूमेंट जो है ना उन तक पहुंचाने के एक प्रोसेस कर रहे थे, मगर इसी बीच एक कन्नड़ साहित्य सम्मेलन यहाँ पे चलने की वजह से DC साहब बहुत बिजी हैं। तो मैं आपके ज़रिए से मैं ये ASI वालों को और डिप्टी कमिश्नर साहब को और कोर्ट को ये विनम्रपूर्वक अपील करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे डॉक्यूमेंट्स देखिए, हमारे डॉक्यूमेंट्स देखिए और हमें भी कोर्ट में बोलने का मौका दीजिए, और हमारी जो भी रिक्वेस्ट है आप एक बार संजीदगी से सुनिए, उसके बाद आप तय कीजिए हम यहाँ पर लीगल हैं या इलीगल हैं। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। मैं काइंडली रिक्वेस्ट इन सब डिपार्टमेंटों को, आप कोर्ट को जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन दे के ये केस चला रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। तो मैं स्पेशली डिप्टी कमिश्नर साहब को और हाईकोर्ट को स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ आपके ज़रिए से कि आप प्लीज़ हमारी सुनिए, एक बार सुनिए, उसके बाद आपको जो भी फैसला लेना है कानून के दायरे में जो भी फैसला लेना है लीजिए। बस इतना। आपका नाम? अहमद पाशा जुनेदी।